नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मास्टर स्ट्रोक शुरू होने को है। आज इस कार्यक्रम में विश्लेषण होगा देश में नफरत के सेंसेक्स में आए उछाल का। क्या नफरत की इस आग में देश के जरूरी मुद्दे छूटे जा रहे हैं? नफरत की लपटें कैसे देश की तरक्की के रास्ते में ब्रेकर बनी है, इसी की पड़ताल होगी। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। वायरल वीडियो में धमकी बाद सलमान चिश्ती को बचाती दिखी राजस्थान पुलिस, बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। धमकी बाद खालिद सलमान चिश्ती की हुई गिरफ्तारी, कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सलमान चिश्ती के बाद अजमेर के सरवर चिश्ती का भड़काऊ बयान, हिंदू समाज की रैली का भी विरोध जताया। भड़काऊ बोल पर सरवर चिश्ती का इनकार, कहा किसी को नहीं भड़काया है मैंने। तेलंगाना के निजामाबाद से कराटे टीचर अब्दुल कादर गिरफ्तार, पीएफआई से भी लिंक के आरोप है। अमरावती हत्याकांड में पीएफआई कनेक्शन की आशंका, संगठन से जुड़े 2 लोगों से पूछताछ हो रही है। अमरावती हत्याकांड में एक्शन में दिख रही है पुलिस, धमकी देने वाले 4 आरोपियों से पूछताछ चल रही है। बोले हत्याकांड के आरोपियों को मेडिकल के बाद मुंबई ले जाया गया। एनआईए ने जांच को तेज कर लिया, उमेश मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एनआईए। मास्टरमाइंड इरफान शेख के बैंक अकाउंट भी पुलिस ने खंगाले, कमिश्नर आरती सिंह ने अहम जानकारी मिलने से इनकार किया। उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। उदयपुर हत्याकांड के मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस की साजिश बताया, कहा इसके पीछे बीजेपी। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा 2रा नोटिस, नुपुर ने नहीं दिया पहले नोटिस का जवाब। बिहार के आरा में भी नुपुर का समर्थन करना युवक को पड़ा भारी, मारपीट करने वाले आरोपी लड़के की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को धमकी देने वाले 3 युवक गिरफ्तार। अजमेर इंजीनियरिंग छात्र के पोस्ट के मामले में फर्जी खबर का खुलासा हुआ है, छात्र ने जम्मू कश्मीर में कराई थी एफआईआर, पुलिस जांच में जुट गई है। उदयपुर हत्याकांड केस की जांच कर रही एनआईए की टीम ने हैदराबाद में छापेमारी की, भागलपुर के शख्स से पूछताछ चल रही है। पाली में उदयपुर हत्याकांड का विरोध, सड़कों पर हजारों लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर उमेश कोले के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची। केरल मंत्री के संविधान विरोधी बयान को लेकर हंगामा, केरल विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तिरुवनंतपुरम में केरल मंत्री के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मुश्किल में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कोलकाता और भोपाल में महुआ के खिलाफ केस दर्ज। महुआ की बीजेपी को चुनौती, महुआ ने अनफॉलो किया टीएमसी का ट्विटर हैंडल भी। कोलकाता में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की, गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी। महुआ के बयान पर टीएमसी ने फिर किया किनारा, सौगत रॉय ने काली पोस्टर और महुआ के बयान के समर्थन से इनकार किया। काली डॉक्यूमेंट्री पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, सरकार से निर्माताओं के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने काली विवाद पर जताया दुख। दिल्ली यूपी के बाद भोपाल में भी काली के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, वी विजेंद्र प्रसाद और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा के लिए मनोनीत, पीएम मोदी ने बधाई दी। कल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है, वाराणसी को मिलेगी 1800 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सौंपा इस्तीफा, नकवी का कल खत्म हो रहा है राज्यसभा में कार्यकाल। सीएम की कुर्सी संभालते ही महाअघाड़ी पर शिंदे का हमला, कहा अघाड़ी सरकार की वजह से नहीं हो पाई दाऊद पर कार्रवाई। दिल्ली में कांग्रेस को झटका, 3 बार विधायक रहे तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में लगेगा देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल, अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होगा आयोजन। भगवान मान सरकार ने फ्री बिजली पर लगाई मोहर, हर बिल पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान हुआ। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में टल गई है सुनवाई, अब अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। एमपी के 11 नगर निगम समेत 133 नगर निकाय पर हुई वोटिंग, 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऐलान किया, कहा कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकते हैं आप बूस्टर डोज।
जनता पर फिर महंगाई की मार, घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा बीजेपी सरकार के सारे नारे और वादे खोखले हैं। सलमान खान के वकील को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे से मिली धमकी, खत में लिखा मूसेवाला जैसा करेंगे हाल। कानपुर से एसआईटी ने 1984 दंगे के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नासिफ में अफगानी सूफी ख्वाजा जरीब चिश्ती की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार हुए। अफगानी सूफी हत्या मामले में हिरासत में तीन लोग, जमीन विवाद का शक है इस वक्त। राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट के विवादित बोल, कहा अग्निवीर हमें ट्रेंड टेररिस्ट के दौर में ले जाएंगे। कल चंडीगढ़ में सीएम मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ लेंगे साथ फेरे, शादी में केजरीवाल समेत कुछ खास लोग शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के बाद दो आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद, बॉम्ब निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। यूपी के उन्नाव में बीजेपी नेता के चार करीबियों पर जमीन कब्जा करने का आरोप है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गुरुग्राम में सरकार के खिलाफ किसानों का धरना, सरकार से वापस मांगी अपनी जमीनें। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने आत्महत्या की कोशिश की, अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के संभल में महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस की तफ्तीश जारी है। राजस्थान के कोटा में आपसी रंजिश में एक शख्स को गोली मार दी गई है। बिहार के नवादा में महिला को डायन बताकर जमकर पीटा गया, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। कानपुर डबल हत्या मामले में खुलासा, बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माता पिता की हत्या की। ओडिशा के केंद्रपारा में ऑनलाइन गेम ने जान ले ली, गेम में 10,000 ने बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद में सोना तस्करी के आरोप में कुवैत से आए दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या की, जांच चल रही है। यूपी के श्रावस्ती में नकली डॉक्टर बनकर मरीज को इंजेक्शन लगाने वाला सफाई कर्मचारी सस्पेंड कर दिया गया है। जालंधर से भगवान वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पंजाबी फिल्म एक्टर राणा जंग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के गोंदिया से पुलिस ने दो युवकों को 13 तलवार के साथ हिरासत में लिया है। दिल्ली में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में बारिश का कहर जारी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बरस रही है आसमानी आफत, कई राज्यों में अलर्ट। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश हुई, पुल पर भर गया है बारिश का पानी। असम के मोरीगांव में बाढ़ जैसे हालात है, लोगों को परेशानी हो रही है। मुंबई के चूना भट्टी में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, हादसे में एक युवक घायल बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तबाही की बारिश, भूस्खलन की चपेट में आने से एक की मौत, 5 अभी भी लापता है। गुजरात के सौराष्ट्र में भी भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। मुंबई के चेंबूर में भी भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है, बड़ी समस्या हो रही है लोगों को। बद्रीनाथ केदारनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से आवाजाही ठप हो गई है, पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। बिहार के बिलासपुर में कई इलाकों में जलभराव है, पूरा शहर जलमग्न हो गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश ने परेशान कर दिया है लोगों को, कॉलेज की एक दीवार ढह गई है। महाराष्ट्र के सतारा में भूस्खलन हुआ है, रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। पुणे में भी यही आलम है, जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है। आफत की बारिश की वजह से मुंबई का सायन इलाका भी परेशानी का सबब बन गया है, बारिश के चलते भयंकर जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश से रास्तों पर मलबा आ गया है, कई बड़े बड़े पत्थरों ने रास्ते को रोक दिया है। ओवरफ्लो हो रहा है पवई का तालाब, ये मुंबई की है तस्वीरें। मुंबई के वसई इलाके में भी बारिश ने तबाही मचाई है, देखिए आप पानी हर जगह आपको दिखेगा। मुंबई में कहर बरपा रही है आफत वाली बारिश, डूब गई है मुंबई की सड़कें, विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एमपी के देवास में बाढ़ के पानी में बह गया बाइक सवार, रास्ते को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। दक्षिण भारत में भी बारिश की मार है, कर्नाटक के कारवार में कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गुजरात के पोरबंदर तट के पास अरब सागर में फंसा मर्चेंट शिप, कोस्ट गार्ड ने 22 क्रू मेंबर्स को बचा लिया है। जोराबाट में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे ठप हो गया है। वो बहुत दूर है, थैंक यू।
सूर्य सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।